डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सबों की होली पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनी होगी। अब समय आ गया है अपने टेबल पे फिर से जम जाने का, बैठ जाने का, क्योंकि आज हम लोग 13वां एपिसोड कर रहे हैं। तो 12 एपिसोड्स हो चुके हैं। जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं वो कंटिन्यू करें जो प्रेजेंट टॉपिक है, पीछे की चिंता ना करें। फिर हम लोग बैक होंगे तब पीछे के टॉपिक्स हम लोग करेंगे। जिन लोगों के छूट गए हैं वो पीछे के टॉपिक्स बाद में कर पाने की स्थिति में होंगे। चलिए, आज जो हम लोग हिस्ट्री में पहला टॉपिक करेंगे वो है गुप्तोत्तर काल, जिसमें हर्षवर्धन काल बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम हिंदू सम्राट जिसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को बढ़ावा दिया। साथ ही समय इनके दरबारी कभी वाण भट्ट दिखेंगे जिन्होंने हर्षचरित्र और कादंबरी की रचना की। ये सब एग्जाम में रेगुलर आता है। स्वयं हर्षवर्धन कई नाटकों के रचनाकार थे, जिसमें रत्नावली, नागनंद, प्रियदर्शिका, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही इनके शासन की कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं वे सब करें कि इनके शासन में क्या कुछ हुआ, कहां पर इनकी राजधानी थी, कौन चाइनीज यात्री इस समय आया था जो यात्रियों का राजकुमार कहलाता है। ये था वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। इनके टाइम पीरियड को ज़रूर आप ध्यान में रखें तो समझ कर आप पढ़ें। छोटा टॉपिक है, मात्र एक पेज का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ज्योग्राफी में आज हम लोग करेंगे सिंचाई यानी इरिगेशन। अब इरिगेशन में क्या करना है, लघु सिंचाई, मध्यम सिंचाई, वृहद सिंचाई। पूरे देश में सिंचाई के अलग अलग स्वरूप हैं। लघु सिंचाई कितने हेक्टेयर में होती है, वृहद सिंचाई का हेक्टेयर कितना होता है, ये सब बराबर एग्जाम में आता है। साथ ही पूरे भारत में सिंचाई किन किन स्रोतों से की जाती है, कुएं से कहाँ सिंचाई होती है, नलकूप से कहाँ होती है, कैनाल से सर्वाधिक कहाँ होती है, ये राज्यवार दिया हुआ है। ये सब आप करेंगे सिंचाई के संदर्भ में करें। इरिगेशन पूरे देश में स्वरूप क्या है। साथ ही इंडियन पॉलिटी में जो आज हम लोग करेंगे वो संघ की कार्यपालिका हम लोग कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो चुका है, प्रधानमंत्री बचे हैं। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद करना है जिसके हेड होते हैं प्रधानमंत्री। तो डिटेल्स करें, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, इनका चुनाव कैसे होता है, न्यूनतम एज प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए, कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सबसे छोटे पीरियड के लिए बने और जो सबसे लंबे समय तक रहे, डिटेल्स करें पीएम पर, कहाँ किस आर्टिकल में और कहाँ कहाँ पर इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस महत्ताएँ हैं उसे करना है। साथ ही इकोनॉमी में आज हम लोग कर रहे हैं उद्योग यानी इंडस्ट्री। पहली औद्योगिक नीति स्वतंत्रता के बाद 1948 में आई और 1956 में दूसरी महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 1991 में नई औद्योगिक नीति आई। तो इसे नई क्यों कहा गया, क्या इसमें नया था, और जो इनका वर्गीकरण है उसे हमें समझना है। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग और वृहत उद्योग, इनमें कितना अमाउंट होता है जिसे हम लघु उद्योग कहते हैं। इन पर कुछ कमेटियाँ आई हैं, मीरा सेठ कमेटी किससे संबंधित है, आबिद हुसैन कमेटी कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये सब आप समझें। और यहाँ पर कुछ वित्तीय संस्थान हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके एस्टैब्लिशमेंट का ईयर दिया हुआ है, तो ये भी हमें याद रखना है, ये बार बार आता है। और नवरत्नों को हमें समझना है, मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न, ये कंसेप्ट क्या है, किस वर्ष आया, इसके डिटेल्स भी हमें लेने चाहिए। नवरत्नों पर भी प्रश्न आते हैं। तो उद्योग पर ये था आज इकोनॉमी का टॉपिक, और साथ ही साइंस के दो टॉपिक्स हम लोग करेंगे, जिसमें फिजिक्स का आज टॉपिक होगा तरंग। केमिस्ट्री लगातार दो टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं, फिजिक्स आज ले रहे हैं। इसमें हम लोग वेव्स कर रहे हैं, जितने भी वेव्स हैं उसका बहुत अच्छा कलेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है इन बुक्स में, आप समझें। मैकेनिकल वेव्स क्या है, नॉन मैकेनिकल, यांत्रिक और यांत्रिक, साथ ही प्रोग्रेसिव वेव्स क्या है, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, तरंग दैर्ध्य क्या है, सारा डिटेल्स वेव्स के बारे में यहाँ पर है। ये एग्जाम फ्रेंडली टॉपिक है, साइंस का बहुत अच्छा टॉपिक। इसके बाद हम लोग साउंड करेंगे, तो इसे आप करें। उसके बाद बायोलॉजी का आज का टॉपिक हम लोग का अगेन इंपॉर्टेंट होगा, चूंकि बॉटनी हम लोग कर चुके हैं, जूलॉजी में इंटर कर रहे हैं। तो पहले हम लोग वर्गीकरण पढ़ेंगे, जितने भी जीव हैं, जितने भी जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, चाहे पक्षी हो, मत्स्य मछली हो, इनका वर्गीकरण समझना है। दो पैर वाले, चार पैर वाले, गर्म खून वाले, ठंडे खून वाले, कोल्ड ब्लडेड, सबका डिटेल्स आपको पढ़ना है। 9 प्रकार के यहाँ पर वर्गीकरण आपको दिखाई देंगे, तो सारा वर्गीकरण आप पढ़ें। इसमें कॉर्डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मानव आता है, रिप्टाइल्स आते हैं, सारे पक्षी आते हैं, सबसे बड़ा संघ कॉर्डेटा, इसके डिटेल्स में 9 ऐसे संघ आपको दिखाई देंगे, इसे समझने का प्रयास करें। उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रम से एक टॉपिक लेते हैं, अगर इसे आप पढ़ पा रहे हैं तो एडिशनल आप कर रहे हैं। आज हम लोग 1907 से 1919 के बीच क्रांतिकारी मूवमेंट का फेज लेंगे, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट।
नरम दल गरम दल हम लोग कर चुके हैं, अब एक अलग दल गोली का बदला गोली, खून का बदला खून, क्रांतिकारियों का मूवमेंट महाराष्ट्र से शुरू होगा, अभिनव भारत से, और उसके बाद बंगाल में ये विस्तृत होगा, दिल्ली, पंजाब और पूरे भारत में किस प्रकार क्रांतिकारी मूवमेंट चला उसका बहुत अच्छा कंसेप्ट यहाँ पर शॉर्ट में, ब्रीफ में दिया हुआ है, इसे आप ज़रूर पढ़ें। एक अलग कंसेप्ट आपका बिल्ड होगा, विदेशों में भी ये मूवमेंट चला तो वहाँ के भी सारे डिटेल्स आपको लेने चाहिए। उसके बाद हम लोग बिहार का जो टॉपिक लेते हैं, किसी भी एक बिहार स्पेशल के बुक से आपको आज का टॉपिक मुख्यमंत्री साथ ही विधायिका पढ़ना है, स्टेट की विधायिका, लेकिन ये केवल प्रेजेंट की नहीं बल्कि इसका इतिहास आपको पढ़ना होगा जो बुक में दिया हुआ है, कैसे विधान परिषद पहले बनी और तब विधानसभा और इसके डिटेल्स, 1912 में जब बिहार अलग हुआ उसके बाद से क्रमशः कैसे विधायिका का विकास हुआ, पहले तो उप गवर्नर और फिर गवर्नर के अधीन और फिर इसका पूरा विस्तार, तो मुख्यमंत्री के साथ आप डिटेल्स पढ़ें, क्या सीटें थी, क्या किसके समय कौन उप गवर्नर थे, कौन पहले इसके अध्यक्ष बने, चेयरमैन बने, सारे डिटेल्स आप लें बिहार की विधायिका से। और उसके बाद हम लोग 2011 की जनगणना करते हैं जिसमें आज हम लोग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नगरीकरण कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हर कोई जानते हैं कि सबसे ज़्यादा नगरीकरण है संख्या में, लेकिन प्रतिशत में जब बात करेंगे तो गोवा आ जाता है, उसी तरह से सबसे कम सिक्किम में है अगर संख्या की बात करें, लेकिन प्रतिशत तो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम नगरीकरण है प्रतिशत में, तो इसके डिटेल्स लें, साथ ही करेस्पॉन्डिंग आप अपने स्टेट का ज़रूर लें कि नगरीकरण आपके राज्य में क्या है, कितना प्रतिशत है और किस ज़िले में सर्वाधिक नगरीकरण है, किस में सबसे कम है, ये एक अलग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप करते हैं तो इसमें भी आप टाइम दें। उसके बाद हम लोग करेंट अफेयर्स भी एक मंथली मैगजीन से कर रहे हैं और उसके अलावा भी आपको अपने स्तर पर इस पर काम करते रहना होगा, चूँकि ये किसी एक सेगमेंट में स्पेसिफाई नहीं है, एक मंथली मैगजीन हम लोग अभी पीडी लेकर चल रहे हैं और आपके पास जो है उससे आप पढ़ रहे हैं। जनवरी 2020 का करंट अफेयर्स करना है, तीसरा टॉपिक इसमें इकोनॉमी होता है, आपके पास जो भी मैगजीन है उसमें अर्थव्यवस्था आप करें, आर्थिकी करें कि जनवरी 2020 के मैगजीन में अर्थव्यवस्था संबंधित क्या महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। एक बहुत अच्छा इसमें आंकड़ा है, भारत में बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा बिजली के उत्पादन से संबंधित दिखाई दे रहा है, 63% लगभग थर्मल एनर्जी से हमारे यहाँ पूरे देश में उत्पादन हो रहा है, सेकंड पोजीशन पर हाइडल है और भी क्रमशः सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, साथ ही आरबीआई के आंकड़े हैं उसकी मौद्रिक नीति संबंधित, उसके बाद देश का व्यापार की स्थिति क्या है और कुछ कृषि से संबंधित भी आंकड़े आपको दिखाई देंगे, तो आर्थिकी आप करें करेंट में। और फिर लास्ट में हम लोग मेंस का एक टॉपिक लेते हैं, इसे आप अपने स्तर पर जितना संभव हो सके कंप्लीट करें, चूँकि पहले तो कंटेंट आपको इकट्ठा करना होगा और फिर इसे लिखने का प्रयास करना होगा, कम से कम 2 पेजेस आप लिखने का प्रयास करें, इसमें ध्येय आईएएस हो गया, उसको दृष्टि है और फिर राज्यसभा टीवी है, इससे आपको बहुत हेल्प मिल सकता है, और भी बहुत सारे चैनल हैं जिसे आप अगर अपने स्तर पर देखते हैं तो इसमें आज शरणार्थियों की समस्या पर प्रश्न है, क्वेश्चन है कि विश्व में शरणार्थियों की समस्या का उल्लेख करते हुए इससे निपटने के उपायों में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को समझाएं। अगर एज ए होल करें, अभी हम टेल आपको नहीं लगाते हैं चूंकि क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा फिर आपको लिखने में दिक्कतें आएगी चूंकि इसमें टेल्स भी रहेगा, लेकिन अभी केवल आप उसके जो बॉडी है उसको कम से कम समझें, शरणार्थी की समस्या क्या है, मध्यपुर से लेकर अफ्रीका से लेकर फिर आपने देखा कि रोहिंग्या की समस्या, तो ये सब डिटेल्स आप समझें कि विश्व में किस तरह की शरणार्थियों की समस्या है, इसमें संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और फिर अंत में भारत की भी भूमिका, भारत इसे कैसे निपट रहा है, भारत के पड़ोसी देशों से जो शरणार्थी भारत में दिख रहे हैं उनसे भारत कैसे निपट रहा है, हाल में रोहिंग्या की समस्या को भारत ने कैसे टैकल किया, तो इसे आप 2 पेज में कम से कम लिखें शरणार्थी समस्या पर। तो ये थे आज के टॉपिक्स, जितना संभव हो सके कंप्लीट करने का प्रयास करें, आपको हर चौथे दिन आ रहा है, रिलीविंग फैक्टर है, 3 दिन का गैप मिलता है, चौथे दिन टॉपिक आता है, तो टाइम आपको मिलता है, इसे जितना संभव हो सके कंप्लीट करें। चेक किया।